अस्सलाम अल्लाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज ये हमारा पहला लेक्चर है आज के लेक्चर में हम रेंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो रेंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आप ये देख लें स्टूडेंट्स ये डेफ़िनेशन मैंने लिखी है कि रेंडम वेरिएबल ये साथ आप ये लिख लेना रेंडम वेरिएबल इज़ ए फंक्शन दैट एसोसिएट्स ए रियल नंबर विद element एलिमेंट इन sample स्पेस के रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो कि रियल नंबर असाइन करता है sample स्पेस के हर एलिमेंट को sample स्पेस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी में भी कि सैंपल स्पेस क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सांपल स्पेस तो स्पेस के हर एलिमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देता है ये रेंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है कि मिसाल के, के तौर पे ये देखें आ, हमारे पास अगर एक एक्सपेरिमेंट है मसलन कि दो कोइंस को हम टॉस करते हैं टू फेयर कोइंस को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है तो स्पेस हमारे पास ये बनती है ये स्पेस देख लें मैंने लिखी है एस हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम दो कॉइंस को टास्क करते हैं अब ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स एक रैंडम वेरिएबल है और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं ठीक है अब एक्स जो है सैंपल स्पेस जो हमारे पास बनी है इस एक्सपेरिमेंट की इसके हर एलिमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेगा अब देखें जैसे एक्स नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है सांपस स्पेस का इसमें कितने हेड हैं दो हेड्स हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम असाइन कर रहे हैं क्योंकि यहां नंबर ऑफ एड्स दो हैं दूसरे एलिमेंट में हेड टेल में नंबर ऑफ एड्स एक ही है तो यहां पे वैल्यू हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे वन इसी तरीके से ये जो थर्ड एलिमेंट है टेल हेड इसमें भी नंबर ऑफ एड्स वन है तो इसको भी वैल्यू वन असाइन करेंगे और ये जो लास्ट एलिमेंट है टेल टेल इसमें दोनों टेल्स हैं मतलब ये है कि हेड इसमें कोई नहीं है तो हेड की वैल्यू ज़ीरो होगी तो यहाँ पे हम इस आउटकम को वैल्यू ज़ीरो असाइन करेंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो रैंडम वेरिएबल होता है सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन कर देता है तो अब इस एक्सपेरिमेंट में स्पेस के हर एलिमेंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी तो रेंडम वेरिएबल्स में हम यही करते हैं कि स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं उनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी जाती है और रेंडम वेरिएबल को हम एक्स या वाई या जेड से डिनोट करते हैं आमतौर पर आगे देखें स्टूडेंट्स के हम इसकी टाइप्स आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कि रेंडम वेरिएबल की दो टाइप्स हैं एक डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल क्या है ये आगे मैं आपको ये नोट्स भी शेयर करूंगा उसमें भी ये डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि जब रेंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ काउंटेबल होंगी फ़ाइनाइट होंगी तो हम ये कहेंगे कि ये वेरिएबल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है इंटेग्रल वैल्यूज़ जब एक्स की होंगी तो इसे हम डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल कहेंगे और अगर एक्स जो है किसी इंटरवल में से वैल्यूज़ एज्यूम करेगा या इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी मुमकिन हो तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल है तो इसकी मज़ीद डिटेल आप ये नोट्स में मैं आपको शेयर करता हूँ साथ ही इसमें आप देख लेना कि रेंडम वेरिएबल की दोनों टाइप्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में ये वाद क्या फ़र्क क्या है ये आप देखें ये नोट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है रैंडम वेरिएबल्स की Uh, और इसके बाद टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और फिर डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है कि ए वेरिएबल विच अ वैल्यू इन होल नंबर फॉर एक्ज़ाम्पल एफ ए कॉइन देन रेंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू जीरो वन टू अगर ये हो तो हम एक्स को कहेंगे कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि जीरो वन टू इंटीग्रल वैल्यूज हैं ये तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल है इसी तरीके से कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन ये देख लें पेज नंबर सेवेंटी फोर पे ए वेरिएबल विच एजूम एनी फ्रैक्शनल वैल्यू बिटवीन बिटवीन टू स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल कि कोई भी दो वैल्यूज़ ए और बी के बिटवीन अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ वो रैंडम वेरिएबल ले सके तो हम ऐसे कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है मतलब कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की पॉइंट्स में वैल्यूज़ हो सकती हैं मुमकिन हैं लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ पॉइंट्स में नहीं हो सकती उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आप देख लें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम पहले पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक टेबल होता है जिस टेबल में ये दो कॉलम जो, मतलब जो है हम बनाते हैं एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ और साथ ही इन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये दो कॉलम जो है हम बनाते हैं तो जिस टेबल में ये दो कॉलम हों इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं ये भी आपने वेरीफाई करनी होती हैं कि एफ आफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या एफ आफ एक्स भी लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी को तो एफ आफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एफ आफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी है इक्वल टू वन तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तो अब ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने बनाई है कि जब आप दो कॉइंस को टास्ट करें तो नंबर ऑफ़ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हमने बना लिए ये देख लें आप जो है डिनोट करता है नंबर ऑफ़ हेड्स को तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू सारी मैंने ये लिख थी फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो वन टू और साथ ही इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या होगी कि ज़ीरो का मतलब क्या है कि ज़ीरो हेड्स तो ज़ीरो हेड्स में देखें कितने ऐसे आउटकम हैं जहाँ पे ज़ीरो हेड है वो ए की है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन डिवाइडेड बाई फोर टोटल कितने हैं फोर हैं तो वन बाई फोर ये प्रोबेबिलिटी होगी एक्स इक्वल टू जीरो की और एक्स इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी के वन का मतलब क्या है कि ऐसे आउटकम्स जिनमें एक हेड है तो ऐसे दो आउटकम्स हैं जहाँ पे वन हेड है हेड टेल एंड टेल हेड तो ये दो हैं क्योंकि तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स फ़ोर तो टू बाई फोर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स इक्ल टू वन की एंड एक्स इक्वल टू का मतलब है कि दो हेड्स दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब ऐसे आउटकम्स कितने हैं जहाँ पे दो हेड्स हैं जिनमें तो वो एक ही है ये जो फर्स्ट है सांपस में आप देखें तो हेड हेड तो ये एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें दो हेड्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है एक्स एकल टू टू की वन बाई फोर हो जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का तो वन बाई फोर ये प्रोबेबिलिटी आ गई तो आप स्टूडेंट्स इसको सम करके देखें आप समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स ये जो कॉलम है इसका सम इक्वल टू फोर बाई फोर इक्वल टू वन ही आ रहा है तो क्योंकि सम इक्वल टू वन आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कि, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन होना चाहिए और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसीलिए हम पढ़ते हैं कि आपने इन दोनों को भी चेक करना होता है साथ साथ मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती कि यह हमेशा ग्रेटर दैन ल टू ज़ीरो होती है और दूसरी ये कि सम ऑफ प्रोबलिटीज़ एकवल टू वन होता है हमेशा के कोई प्रोबेबिलिटी जो है इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो और वन के बिटवीन रहती है वन से कम नहीं हो ज़ीरो से कम नहीं हो सकती मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी और वन से ग्रेटर नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ ली है और स्टूडेंट्स इसके ही नोट्स जो हैं ये आप देखें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है रेंडम वेरिएबल फिर टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल्स और साथ ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्ज़ाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल्स हम इसकी करेंगे ये आप देख लें कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें स्टेटमेंट देखें इसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व करेंगे कि फ़ाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेन वन कॉइन इज टॉस्ड एंड एक्स डिनोट्स दी नंबर ऑफ हेड्स कि जब एक कॉइन को टास्क करें तो नंबर ऑफ हेड्स की आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बना लें सैंपल स्पेस जो है आपको पता है कि एक कॉइन की सैंपल स्पेस होती हेड टेल तो एक्स नंबर ऑफ हेड्स जो है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ज़ीरो और वन जीरो हेड हो सकते हैं या वन हेड हो सकते हैं तो एक्स की वैल्यू एक्स के नीचे हम लिखेंगे ज़ीरो वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ये फाइंड कर लेंगे ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी के जहाँ पे ज़ीरो हेड है ज़ीरो हेड का मतलब है कि टेल जहाँ पे है जहाँ पे टेल आया वहाँ पे हेड ज़ीरो है तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी वन बाई टू होगी क्योंकि एक ही ऐसा आउटकम है जहां पे जीरो हेड है तो वन बाई टू टोटल टू आउटकम्स हैं और दूसरा वन हेड हो सकता है तो वन हेड कितने आउटकम है ऐसे जहां पे वन हेड है तो वो एक ही आउटकम है जहां पे वन हेड है तो वन डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स टू तो वन बाई टू तो दोनों की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू वन बाई टू होगी अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करके देखें तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन ही होता है तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाती है इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे देखें दूसरी एग्जाम्पल है कि कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेन टू क्वाइंस आर टास्ट एंड एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ़ हेड्स के दो पॉइंट्स जब हम टास्क करते हैं तो सांपल स्पेस बनाए आप बनाएं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं नंबर ऑफ़ हेड्स की ठीक है एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और एक्स आगे किस को डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ हेड्स को तो एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जबकि आपने ये भी देखना है कि एक्स नंबर ऑफ़ हेड्स को डिनोट करता है तो यही एग्जांपल जो है हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये मैंने सॉल्व भी की है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखेंगे अब इससे पहले ये है कि आसानी के लिए आप पहले स्पेस बना लें दो हेड्स दो कॉइंस की स्पेस बनाएं एस तो एस जो है टेल टेल हेड टेल टेल हेड 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 ये बन जाती है तो स्पेस में देखें कि हेड्स जो हैं अब फर्स्ट आउटकम में जैसे यहाँ पर देखें हेड वन हेड वन हेड एंड टू हेड्स तो अब एक्स की वैल्यूज जो है लिखे हैं एक्स के नीचे ज़ीरो वन टू कि जो वैल्यूज एक्स की रिपीट हो रही हैं उसको एक दफ़ा ही लिखना है आपने क्योंकि वो जो रेपीटिशन है वो कवर हो जाती है जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो एक्स इक्ल टू ज़ीरो तो ज़ीरो जो है वो कितनी दफ़ा है यहाँ पे वन टाइम है वन डिवाइडेड बाई टोटल फोर है वन जो है वो कितनी दफ़ा है वो देखें तो टू टाइम्स है तो टू डिवाइडेड बाई फोर और x इक्ल टू टू कितनी दफ़ा है वो भी वन टाइम है तो वन डिवाइडेड बाई फोर तो इस तरीके से x x का कॉलम बनाया पहले और साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ एफ ऑफ x का कॉलम बना लिया तो अब यहाँ भी आप ये करके देखें इसका सम देखें तो x इक्वल टू वन ही आपको मिलेगा तो इस तरीके से स्टूडेंट सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है किसी भी रेंडम वेरिएबल की अब एग्जांपल नंबर थ्री है जैसे फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एक्स इफ़ वी थ्रो ए डाई इफ़ वी थ्रो ए डाई वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ कि एक डाई को हम रोल करें तो आप एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं वेयर एक्स किस को डिनोट करता है नंबर ऑफ स्पार्ट को अब आपको पता है कि जब एक डाई को रोल करते हैं तो एक डाई को रोल करने से नंबर ऑफ़ स्पार्ट्स जो हैं की वैल्यूज़ क्या क्या मुमकिन हो सकती हैं तो एक्स की वैल्यू वन हो सकती है, तो है। स्पार्ट्स जो हैं डाई के ऊपर जितने स्पार्ट्स होते हैं उतनी ही एक्स की वैल्यूज़ मुमकिन हो सकती हैं तो एक्स के नीचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वैल्यूज़ एक्स की पॉसिबल हैं तो एक्स के नीचे ये पॉसिबल वैल्यूज़ एक्स की लिखेंगे और साथ इसके इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेंगे क्योंकि एक डाई को हम एक दफ़ा ही रोल कर रहे हैं तो सांपस्पेस ज़ाहिर है एस जो है सांपस पेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही बनती है तो एक्स की वैल्यूज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक आ गई अब एक्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन जो है वो एक दफ़ा ही होता है जब एक को एक डाई को हम रोल करते हैं तो उसकी सांपल स्पेस में वन वन टाइम ही होता है तो वन की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स टोटल जो है सिक्स हैं अब टू जो है वो भी वन टाइम होता है तो टू की प्रोबेबिलिटी भी वन बाई सिक्स थ्री जो है वो भी वन टाइम होता है तो इसकी थ्री की प्रोबेबिलिटी भी वन बाई सिक्स मतलब ये है कि सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स ही होगी जब एक डाई को एक दफ़ा रोल करते हैं तो सब की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स मिलेगी आपको तो इस तरीके से हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली एक्स की वे आर एक्सड नाट्स नंबर ऑफ पार्ट्स एक्स इसमें याद रखें आप कि एक्स एक बनाना एक कॉलम दूसरा प्रोबिलिटी ऑफ एक्स तो इन दो कॉलम्स को हम दो कॉलम्स जहाँ पे हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का सम जो है वो इक्वल टू वन हो तो हम इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एक्स कहते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एक्स फाइंड करने का ये तरीका है कि आप ये दो कॉलम बनाते हैं और साथ ही ये प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रेंडम वेरिएबल की डेफिनेशन उसकी टाइप्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका कार हमने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें ये एग्ज़ाम्पल जो दी हुई हैं नोट्स में ये अटैम्प्ट करें आप इससे अगली एग्ज़ाम्पल जो है वो भी आप ट्राई करें एग्ज़ाम्पल नंबर फ़ोर और यहाँ तक अगर कोई बात जो है आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा